जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांडीपोरा में एक टेरर मॉड्यूल को पकड़ा है, जिस टेरर मॉड्यूल में रिक्रूटमेंट की जा रही थी आतंकियों की। इस टेरर मॉड्यूल में बताया ये जा रहा है कि 4 आतंकी एसोसिएट्स को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है, और साथ ही में 2 वो युवा जो आतंकी बनने वाले थे उन्हें भी डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बात करें तो लश्करे तोयबा टेरर आउटफिट के 4 टेररिस्ट एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया है, और बताया ये जा रहा है कि असदुल्ला परे जो कि हाजिन का रहने वाला था, वो एक टेररिस्ट रिक्रूटमेंट मॉड्यूल चला रहा था बांडीपोरा में। इनपुट्स मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंची। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता ये चला कि जो अक्यूज था वो पाकिस्तान में टेररिस्ट हैंडलर्स के साथ रिश्ते बनाए हुए था। उनसे जानकारी मिलने के बाद और उन्हीं के इशारों पर यहाँ जम्मू कश्मीर में युवाओं को आतंक की ओर घसीटता था और टेररिस्ट रैंक्स में उन्हें शामिल करता था। साथ ही में ये कहा गया कि वेपन्स अरेंज करके देता था उन्हीं आतंकियों को, नए रिक्रूट्स को, और साथ ही में उनके लिए लॉजिस्टिक्स भी अरेंज करता था, यानी कि रहने का बंदोबस्त, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे, ये सारी सुविधाएँ वो पहुँचाता था। ये बताया जा रहा है कि परे पहले जमात इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद अपनी अलायंस उसने एलिजेंस शिफ्ट की मसरत आलम के मुस्लिम लीग के साथ। उसके खिलाफ ऑलरेडी दर्जनों PSA और FIR लॉन्च की गई हैं, और वो अपनी ज़िंदगी के कई साल कस्टडी में भी बिता चुका है। पुलिस ने ये कहा कि इस इंसिडेंट में परे की मदद कर रहे थे उसी के भांजे नसीर अहमद परे, जो कि हाजिन का रहने वाला था, उसके अलावा हसीना जो कि शीरी की रहने वाली एक महिला थी, खुर्शीद अहमद जो कि नईडखाई का रहने वाला था, और अन्य भी कई लोग थे जो मदद कर रहे थे परे की। उसके साथी में जो ग्रुप है वो कॉन्टीन्यूसली अक्रॉस बॉर्डर कॉन्टैक्ट में था, और उसे डे टू डे एक्टिविटीज़ की इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आज ये करना है, आज वो करना है। रिक्रूटमेंट के अलावा पेट्रोल बॉम्ब्स भी वहाँ पर बनाए जाते थे, और युवाओं को प्रेरित किया जाता था कि वो पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, और साथ ही में वो लोग जिन्हें सुरक्षा प्राप्त है यानी कि प्रोटेक्टेड पर्सन के खिलाफ अटैक करें। उसके साथ ही में पोटेंशियल जो टारगेट्स होते थे उनकी रेकी करने के लिए भी सिखाता था परे युवाओं को। और उसके साथ साथ में जब ये अरेस्ट हुई, इन 4 आतंकी एसोसिएट्स को पकड़ा गया, तो वहाँ से पेट्रोल बम बनाने की सामग्री भी बरामद की जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और ये बताया गया कि वहाँ पर ये सिखाता भी था कि किस तरीके से पेट्रोल बम्स बनाए जाते हैं। डिस्क्लोजर्स जो जब इन 4 आतंकी एसोसिएट्स को पकड़ा गया, जिनमें से एक महिला भी थी, उन्हें पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन की गई, इनसे पूछताछ की गई, और पूछताछ करने के बाद 2 और इंडिविजुअल्स जिनका नाम एक रफ़ीक अहमद बताया जा रहा है जो कि नईडखाई के ही रहने वाले थे, और उसके अलावा हिलाल अहमद शाह जो कि शाह मोहल्ला हाजिन के रहने वाले थे, उन्हें भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो भी टेरर रैंक्स ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया है, और साथ ही में छानबीन अभी भी चल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी जीत है कि 4 ऐसे टेरर एसोसिएट्स जो कि रिक्रूटमेंट कर रहे थे यंगस्टर्स की आतंकवाद में, उन्हें आतंकवाद की ओर प्रेरित कर रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरीके से आतंकी एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए लॉजिस्टिक्स अरेंज कर रहे थे, उनके लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन अरेंज कर रहे थे, उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है, और साथ ही में 2 युवा जो आतंकी बनने वाले थे उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है, उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी। तो ये एक बड़ी जीत जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है।